एक विजन डॉक्यूमेंट पेश हुआ था जिस पर दिन भर बातचीत हुई है और ये फैसला हुआ है कि हिंदुस्तान में एक नॉन पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाएगा और उसमें दानिश्वर जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उलमा हैं, जजेस हैं, फौजी हैं, ये इनका एक ग्रोह बनेगा और वो ग्रोह एक लीडरशिप करेगा, वो 50 की हो या 51 की हो, वो एक सेंट्रल बॉडी बनेगी और हर स्टेट में और जो बड़े शहर हैं अगर वो बना सकते हैं वहाँ भी बनेगी और उसका जो कोऑर्डिनेटर होगा वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर होगा। ये कंसेंसस क्लियर है कि किसी एक की क़यादत नहीं करनी है बल्कि अब कलेक्टिव क़यादत होगी और हिंदुस्तान में जिस तरीके से फासिस्ट फोर्सेस जब चाहे रही हैं वो हमारे ऊपर अटैक करती हैं, रोज़ आइन को तोड़ती हैं, रोज़ इस मुल्क की रूह को कत्ल करती हैं, उससे लड़ने की कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली वो एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा। लड़ाई संविधान के लिए है या मुस्लिम समुदाय पे जो हमला, अगर संविधान नहीं है तो मुसलमान का कोई वजूद ही नहीं है। अगर ये हिंदू स्टेट पहले ही से बन गई होती तो हम मुसलमान हिंदुस्तान में क्यों रहते। हम हिंदुस्तान इसलिए ऑप्ट किया था कि ये सबका मुल्क है, ये सबकी बराबरी है, ये आईन है जिसने हमको यहाँ मजबूर किया। हिंदुस्तान में जो मुसलमान है उसने अपने खून की कुर्बानी दी है, उसने अपने खून को बांटा है, इसलिए बांटा कि वो मुस्लिम मुल्क में नहीं गया था। तो जब वो मुस्लिम मुल्क में नहीं गया तो वो हिंदू मुस्लिम मुल्क में कैसे रह लेगा। ये आईन ने हमको जोड़ा था और इसी आईन के तहफ़ के लिए आज सब लोग बैठे थे। ये हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि 382 लोग दिल्ली से बाहर से आए, कोई बस से नहीं आया, किसी को बुलाया नहीं गया, ये लोग अपने पैसों से आए, अपने खराजात खर्च किए और कोई भी इनको किसी तरह की फैसिलिटी देने की हम लोगों की हैसियत नहीं थी। और कभी आपने ये भी नहीं देखा होगा कि ऐसी शख्सियतें जिनके सेहतें बहुत बिगड़ चुकी हैं, गवर्नर अजीज साहब हो या शाह फारूक अब्दुल्ला हो या रहमान खां हो, ये पहले वक्त से लेकर और ये 6 बज चुका है वो यहाँ से नहीं हटे। हालांकि जो अभी तक के दस्तूर थे कि जब VIP आते हैं तो कहा जाता है कि भाई आप बोल लीजिए और चले जाइए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मसला ऐसा है कि हम यहाँ आखिर तक बैठेंगे, सबको सुना और फिर अपनी राय से हम सबको उन्होंने नवाजा। जो लोग कॉमन सिविल कोड और जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं तो क्या आप लोग इस पर रेसिस्ट करेंगे? ये हो क्यों रहा है? ये आज जो ये इज्तिमा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा कि ये कोई जलसा था। आपने देखा कभी कोई मीटिंग होती है उसमें सदर नहीं होता? आज कोई सदर नहीं था, आज कोई स्टेज नहीं सजाया गया था कि फलां को प्रोजेक्ट करना है। आज सर जोड़ के बैठे थे हिंदुस्तान के मुसलमान और गैयूर मुसलमान और वो मुसलमान जो बहुत दूर दराज से आए हैं वो इस मुल्क को इन्हीं चीज़ों से रोकने के लिए। और आज वो तबका जो आज तक मुसलमानों को डराए और खौफ खाए हुए था, आज उनकी घंटियां कानों की बज गई होंगी कि ये कौम जिंदा होने जा रही है। जो राष्ट्र की बात कर रहे हैं उस पर उसको उन लोगों को क्या कहेंगे? मीडिया के लिए जो एक बात कही जा रही है उसको लायमल करने के लिए जी, उसके ऊपर आप कितना सोचते हैं कि जल्द से जल्द काम हो? मैंने 3 साल पहले ये कोशिश की थी कि मुसलमानों को मीडिया होना चाहिए और मैंने एक मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया भी था, लेकिन उस वक्त शायद मुसलमानों को ये इंतज़ार था कि तूफ़ान अभी और आ जाए, क्योंकि बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं जो साहिल पर बैठ के तूफ़ान का नज़ारा कर रहे हैं। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि वो तो नज़ारे का वक्त भी ख़त्म हो गया, जहां वो साहिल पर बैठे थे तूफ़ान वहां तक पहुंच गया है और अगर अब भी नहीं जागे तो कुछ नहीं बचने वाला है। आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि ये सारी कौम इसने अंगड़ाई ली। जो लोग कॉमन सिविल कोड के थ्रू हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? उनसे लड़ेंगे, कॉमन सिविल कोड पहले अपना तो बना लें। अरे वो कौम जिसके यहाँ यही नहीं पता है कि उनका कोड क्या है, अरे कहीं मामा से शादी जायज़ है, कहीं गौत्र में नहीं शायद है, कहीं